शारदा निटिंग में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम एक ये सुंदर से डिज़ाइन का वीडियो देखेंगे जो कि बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है। आप लोग पूरा देखिएगा। ये रिवर्सिबल डिज़ाइन है जो कि हम बेबी ब्लैंकेट में या तो थ्रो में डाल सकते हैं। थ्रो मतलब कि छोटा कंबल जैसा। तो उसके साइज़ वगैरह मैं बताऊँगी आपको। सबसे पहले तो हम डिज़ाइन की बात कर लेते हैं। तो देखिए, ये शुरू जब हम करेंगे इसको या किसी भी चीज़ को हम करते हैं तो डबल ऊन लेकर हम चेन से बनाते हैं। जो हमारी शुरुआत की चेन है वो हम डबल ऊन लेकर बनाते हैं। इस तरह से चेन बनाएंगे, हमको जितनी भी हमको चौड़ाई रखनी है उसकी, और उसके बाद हम इसको सिंगल ऊन से, अकेली ऊन से हम इसको बुनेंगे। तो इससे ये किनारी जो है वो अच्छी आ जाती है, झोल नहीं आता है उसमें, और ऊपर का जो बुनते हैं वो ठीक हो जाता है। तो ये हम इस तरह से डबल चेन बनाएंगे, डबल ऊन से चेन बनाएंगे, और फिर हम ये एक चेन लेकर, या तो अगर आपका हाथ टाइट है तो आप दो चेन लेकर भी शुरुआत में कर सकते हैं। और ये जहाँ पर हमारा पहुँच रहा है क्रोशिया, वहाँ से हम शुरू करेंगे। ये हम हाफ डबल क्रोशिया ले बना रहे हैं, ऊन लपेटी और दो ऊन में घुसाया, क्योंकि डबल ऊन से चेन थी तो दो ऊन में घुसाया और ये तीनों को एक साथ बंद कर दिया। ये हमारा हाफ डबल क्रोशिया या तो छोटा चावल हो गया। तो इस तरह से हम ये अपनी एक लाइन पूरी करेंगे और यहाँ पर आएंगे, फिर एक चेन बनाकर मुड़ेंगे और फिर हम दूसरी लाइन पूरी करेंगे। इस तरह से हमको चार लाइनें पूरी करनी है। जैसे कि हम ये देख सकते हैं, यहाँ पर हमने ये चार लाइनें पूरी कर ली हैं। तो ये हमको जब बनाना है तो ये हमको पूरा गैप में जाना है, जो ये गड्ढा जैसा होता है वहाँ पर जाकर बनाना है। ये दो तो ऊपर वी हैं और एक और भी नीचे ऊन है, तो तीन ऊन के नीचे से हमको ये बनाते हुए हमने चार लाइनें पूरी कर रखी हैं। उसके बाद हमको रंग बदलना है। तो ये रंग बदलकर, अब जैसे ये कलर कॉम्बिनेशन की बात है तो देखिए, जो वैसे तो आपकी खुशी है, आपकी मर्जी है, आप अपनी पसंद के रंग लगा सकते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा कलर कॉम्बिनेशन का ध्यान रखना पड़ेगा हमको। और वो कुछ कलर्स ऐसे होते हैं कि जो बहुत अच्छे लगते हैं, सोबर कलर होते हैं, वो ले सकते हैं। बेबी ब्लैंकेट में आप चटक रंग भी ले सकते हैं। जो ये दोनों ऊन है ये एक ही क्वालिटी की होनी चाहिए, एक ही मोटाई की होनी चाहिए, और ज़्यादा शाइन वाली ऊन ना हो तो अच्छा होगा, कम शाइन वाली ऊन हो तो अच्छा रहेगा। तो अब ये हम दूसरे रंग को लगा रहे हैं और हम ये यहाँ पर आएंगे तो हमको छः जो हाफ डबल क्रोशिया हैं वो हमको पहले बनाने हैं। तो हम यहाँ कॉर्नर से शुरू करेंगे। ये हमने गिना 6 हाफ डबल क्रोशिया। आप लोगों से अनुरोध है कि थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। आप लोगों का सहयोग हमको मिले, हमें भी बहुत अच्छा लगता है, उससे उत्साह बढ़ता है और अच्छे वीडियो बनाने की हमको प्रेरणा मिलती है। तो ये हमने 6 बनाए। अब 6 के बाद हमने ऊन लपेटी और ये तीन लाइन नीचे, चार लाइनें थी हमारी, तीन लाइन नीचे हम घुसाएंगे और निकाल कर और इसको एक साथ बंद कर देंगे। इसको इतना ढीला रखना है कि ये हमारे ये सीध में आ जाए इसके। उसके बाद हमको फिर ये आगे से 6 बार हमको हाफ डबल क्रोशिया करना है, 6। तो 6 ये करेंगे और 7वां हमको ये करना है। इस तरह से ये हमारी पहली लाइन जाएगी। ये चार लाइन का रिपीट पैटर्न है, एक एक रंग से चार चार लाइनें जाएंगी। तो पहली बार तो हमने साधारण सब ये हाफ डबल क्रोशिया से चार लाइनें बनाई, उसके बाद ये डिज़ाइन चलेगा। तो ये जैसे हम आए, लाइन हम पूरी करेंगे, तो अगर हमारा ज़रूरी नहीं है यहाँ 6 आए, जितना भी आएगा हम उतने ही डिज़ाइन को उसी अपनी कैलकुलेशन को समझ लेंगे। तो ये अभी 5 आया तो कोई परेशानी की बात नहीं है, हम यहाँ से अब मुड़ेंगे। तो अब हमें ये ख्याल करना है कि फिर से हमको ये हम आए, ये हमने जो ये हमारा एक लंबा क्रोशिया बनाया हुआ है, ये जो हमने एक लंबा क्रोशिया बनाया हुआ है
उसके पास ही हमको दूसरा लंबा क्रोशिया बनाना है, लेकिन उसको हमें ये अभी हमने तीसरी लाइन में डाला था ऊपर से तीसरी लाइन में, अब इसके पास वाला जो पड़ेगा वो ऊपर से दूसरी लाइन में पड़ेगा, तो उससे वो थोड़ा सा ऊंचा हो जाएगा और इस तरह से उसका ये लुक आएगा। बस इसके बाद हम आगे जाएंगे और ये हमें अपनी गिनती का ध्यान रखना है कि हमको ये बीच में छः ही ये जो आधे वाले डबल क्रोशिया हैं, हाफ डबल क्रोशिया हैं, वो हमको छः लेने हैं। तो ये हमारे पाँच हो गए, सिक्स, ये जो बीच में है ये सिक्स हमारे हाफ डबल क्रोशिया हैं। उसके बाद अब हम यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर आकर हम इसके बराबर में फिर से करेंगे। इसी तरह से ये हम पूरी लाइन दोहराएंगे। जैसे ये हमारी दूसरी लाइन ही है, तो ये देखिए ये हमारा छठा हाफ डबल क्रोशिया है और उसके बाद ये हमने यहाँ पर नीचे करा। तो इस तरह से ये तीन बार हमको इसकी जगह बदलते हुए ये बड़े वाले चावल जो हैं ये हमको बनाने हैं। ये अब हम आए और हम यहाँ पर ये जो डिज़ाइन है ये थोड़ा सा ऐसे खिसकता जाएगा, तो उस हिसाब से जब आप बुनेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि ये हम उसको खिसकाते जा रहे हैं। अब जो ये ऊन है, ये जो दूसरा रंग है, इसको अगर हम यहाँ पर ट्विस्ट कर देंगे तो ये ऊपर आसानी से आएगा जब हमको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। और अगर हम नहीं भी ट्विस्ट कर पाए, अगर हम भूल गए, तो भी हम आपको दूसरा तरीका बताएंगे कि जिस तरह से आप उस ऊन को ऊपर ले जा सकते हैं। तो ये यहाँ पर हमने फिर से एक चेन ली और ये तीन ऊन के नीचे से, ये जो तीन ऊन है इनके नीचे हमने ये डाला। अब देखिए ये हम कर रहे हैं, तो ये हम देखते हैं कि ये तीन चार पाँच छः, छः हमारा है अभी, वरना यहीं पर हमारा डिज़ाइन का ये एक और लाइन हम शुरू करेंगे। जब यहाँ पर छः से ज़्यादा हमारे जगह बन जाएगी तो यहीं पर हमारा दूसरा डिज़ाइन शुरू होगा। तो ये हम आए यहाँ अभी और देखिए ये जो है अब यहाँ है, ये दो लाइन के नीचे से करा था, अब एक लाइन के नीचे हम यहाँ पर घुसाएंगे। पहली बार में तीन के नीचे, दूसरी बार में दो के नीचे और तीसरी बार में ये एक के नीचे से, तो एक दो तीन, इस तरह से ये हमारा डिज़ाइन ऊपर जा रहा है। और उसके बाद ये फिर हमको छः, छः की गिनती हमको पकड़नी है, क्योंकि हमने डिज़ाइन इस तरह का सेट किया है अपना। आप किसी और भी तरह से डिज़ाइन को सेट कर सकते हैं, बेबी ब्लैंकेट के लिए बहुत ही अच्छा डिज़ाइन है ये। तो ये देखिए फिर हम आ गए यहाँ, ये हम गिन लेते हैं एक बार अपना, तो ये हमारे छः हो गए हैं और हम ये यहाँ पर फिर से एक लाइन नीचे से हम डालेंगे। इस तरह से ये हमारी तीसरी जो लाइन है ये पूरी हो जाएगी। जो हमारी चौथी लाइन है वो बेहद आसान है, उसमें हमको सिर्फ हर जगह से जो ये हमारी गैप है, हर जगह में से ये ऊन लपेटकर हमको हाफ डबल क्रोशिया या ये जो छोटा वाला चावल है ये हमको बनाना है। तो चौथी लाइन में बेहद आसान ये हुआ, बनाते हुए हम चले जाएंगे। अब हमको रंग बदलना है, तो ये वाला जो हमारा नीचे था रंग, उसको हम यहाँ ले आएंगे और इसमें यहाँ एक बार ऐसे कर लेंगे और फिर हम इससे शुरू करेंगे अपनी अगली लाइन। तो अब हमको ब्राउन कलर से चार लाइनें बुननी हैं। तो ये हम पहली लाइन में आए हैं, यहाँ पे हमको डिज़ाइन के हिसाब से हम देखते जाएंगे कि हमको कितना बनाना है यहाँ पर। तो ये अभी हम आ रहे हैं यहाँ, और ये जो है अब यहाँ पर हम फिर से यहाँ नीचे तीन लाइन नीचे जाएंगे और इसको बना देंगे। तो अगली बार हम ये दो लाइन नीचे जाएंगे और तीसरी बार हम एक लाइन नीचे जाएंगे, तो इस तरह से ये लाइन हमारी टेढ़ी इधर होती हुई चली जाती है। आगे फिर हम इसको फिर से हम वो छः की गिनती हमको याद रखनी है, क्योंकि वो हमारे डिज़ाइन की है। तो इस तरह से ये हमने कलर चेंज करके आपको दिखाया।
तो ये जब हम सेकंड लाइन में आ रहे हैं तो यहाँ पर ऐसा ही अब बात होगी कि ये जो डिज़ाइन है हमारा ये जो यहाँ पर जाएगा, इसलिए यहाँ पर स्पेस बन रहा है। तो यहाँ पर हम शुरू कर देते हैं एक और आपको, जिससे आइडिया हो जाए कि ये डिज़ाइन कैसे पलटा जाना है या आगे शिफ्ट करना है ऐसे। तो यहाँ पर ये एक नई लाइन शुरू होगी डिज़ाइन की, तो यहाँ पर हम एक ये करेंगे और उसके बाद ये फिर हम यहाँ पर छः बनाएंगे। तो जैसे ये लाइन नई शुरू हुई है, इस तरह से ये डिज़ाइन की जो है वो नई लाइनें शुरू भी हो जाएंगी और पुरानी जो लाइनें ये टेढ़ी होते होते ये एक तरफ जाकर ख़त्म भी हो जाएंगी। तो जब आप ये बड़े में बनाएंगे, थ्रो में या बेबी ब्लैंकेट में, तो यही इसका लुक जो है ये बहुत अच्छा आएगा। ये लाइन इधर जाएगी और फिर यहाँ से एक नई लाइन शुरू हो जाएगी। ये हमने छः किया और अब हम यहाँ पर इसको दो के नीचे से लेकर इसके बराबर में। तो इस तरह से आशा है आपको ये डिज़ाइन तो अब समझ में आ गया होगा। इसमें और एक दो बातें क्या ख्याल रखना है कि देखिए ये हार्ड नहीं होना चाहिए, सॉफ्ट रहना चाहिए। तो ये हमें क्रोशिए का अपना हिसाब ठीक रखना है। और क्रोशिए में भी क्या होता है, दो तरह की नंबरिंग होती है। एक तो ये 7 लिखा है जैसे, ये 12 10 लिखा हुआ है जैसे, और कुछ में ये MM लिखा होता है कि ये 8 MM है, 5.5 MM है, 5.5 MM है। तो इस तरह से ये हमें ध्यान रखना है। और जिस एक क्रोशिए से आप काम शुरू करें उसी क्रोशिए से पूरा करना चाहिए, नहीं तो उसमें हाथ बदल जाता है। ये जैसे 4 MM का है तो ये क्रोशिए का हमको ध्यान रखना है। आइए अब हम थोड़ा सा इसके किनारी की बात करते हैं। ये हम जो भी रंग से किनारी करना चाहते हैं, चारों तरफ की एजिंग ऊन जोड़ेंगे, और ये हम वही हाफ डबल क्रोशिया से ही हमने ये लाइन करी है। ऐसी लाइनें हम 2 3 4 कितनी भी कर सकते हैं, ये हमारी खुशी है। लेकिन अब जरा थोड़ा कॉर्नर पे ध्यान देते हैं। जब हम कॉर्नर पे आएंगे तो एक ही जगह से, एक ही कॉर्नर में एक ही जगह से हमको 3 बार ये हाफ डबल क्रोशिया लेना है, उससे ये हमारा कोना जो है वो अच्छा बनता है। तो जब हमने ये 3 बार लिया है, अगर हम अगली बार इसके ऊपर ये और बनाना चाहते हैं तो इस वाला जो ये बीच का है, सेकंड वाला है, इसमें हमको फिर से 3 बार हाफ डबल क्रोशिया लेना होगा। तो इस तरह से तो ये हम चारों तरफ घूम जाएंगे और उसके बाद हम इसमें एक कंगूरा बना सकते हैं। ये कंगूरा बनाने के लिए हमने ये ऊन जैसे ये लेकर, ये तीसरी चेन में जहाँ पर हम हैं वहाँ से हम तीसरी चेन में आए और एक ही जगह पर हम आसानी से 5 7 6 आपके हिसाब जितना आपको पसंद आ रहा है ऊन के हिसाब से वो हम एक गिनती ले लेते हैं। जैसे ये भी काफ़ी है और इसको हम यहाँ पर आकर जहाँ ये टच करता है वहीं पर आकर हम इसको स्लिप स्टिच से बंद कर देते हैं। तो ये हमारा एक कंगूरा बन गया। फिर हम एक चेन लेते हैं और फिर ये बीच में एक को छोड़ के, और थर्ड जो है यहाँ से एक में हम हैं, सेकंड को हमने छोड़ा स्किप किया और थर्ड में जाकर ये गिनती भी, जो भी हम ये कंगूरे की गिनती सेट करते हैं 5 7 6, वो भी हमको सब एक समान रखनी है चारों तरफ, इस बात का भी हमको ख्याल रखना है। तो ये हमारा ये कंगूरा, इस तरह से ये हम चारों तरफ इसमें सुंदर सा कंगूरा कर सकते हैं। कलर चॉइस आप अपनी रखिए, बच्चों के बेबी ब्लैंकेट में डार्क कलर भी ले सकते हैं, बिना शाइन वाली ऊन लीजिए। अब आइए थोड़ा इसके साइज़ की बात कर लेते हैं। जो ये बेबी ब्लैंकेट है वो 75 इंच से 30 इंच बाई 30 इंच, मतलब 75 सेंटीमीटर के आसपास रख सकते हैं, 75 बाई 75 का। तो अभी हम इंच में ही बात करते हैं, सेंटीमीटर की बात नहीं करते हैं। तो 30 इंच बाई 30 इंच का हम सबसे छोटा वाला बेबी ब्लैंकेट बना सकते हैं। उसके बाद हम 40 इंच बाई 40 इंच का बड़ा बेबी ब्लैंकेट बना सकते हैं। फिर अगर हमको थ्रो बनाना है तो थ्रो हम एक तो 52 इंच बाई 60 इंच का हम ले सकते हैं साइज, और या तो हम 40 इंच लेकर 48 इंच भी ले सकते हैं। तो ये आपकी चॉइस है। बाकी तो 4 फिट बाई 6 फिट का भी होता है एक, तो ये साइज़ जो है वो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो बेबी ब्लैंकेट बनाइए आप
30 इंच बाय 30 इंच का, 40 इंच बाय 40 इंच का, या तो आप थ्रो बनाइए। आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है, इसको आप एक बार ट्राई ज़रूर करिए। सॉफ्ट रखिएगा ऊन को, एक जैसी ऊन लीजिए, ज़्यादा शाइन वाली ऊन ना हो, थ्रो के लिए तो ज़्यादा शाइन वाली ऊन अच्छी नहीं लगेगी। आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर का ध्यान रखिए। धन्यवाद।